कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते शहरों में आज पक्षियों के लिए ठिकाना बनाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में प्रयागराज के बाबा जी का बाग स्थित बाबूलाल शर्मा के घर गौरैया की सैकड़ों की संख्या देख सुखद अनुभूति होती है। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर हम पहुंचे उनके घर और जाना कब से कर रहे हैं वो ये सब। 40 साल से भी ज्यादा हो गया। गौरैया जैसे विलुप्त जैसे हो गई शहरों से, तो बात करते हैं, आप तो गांव में बहुत कम दिखती हैं, इसको क्या कहेंगे? गौरैया का ये है कि उनकी सुरक्षा के लिए पेड़ ऐसा हो कि जहां वो सेफ अपने को महसूस करें, बरसात से भी और विशेष करके बाज से, बाज इनका बहुत बड़ा दुश्मन है। कितनी बर्ड्स तक आती होंगी? इसमें 500 बर्ड्स हो जाती हैं और रात भर रहती हैं। मौसम कौन सा सबसे ज्यादा असर आता है, जब ज्यादा रहती है इनकी? ये नहीं, रात में तो 12 महीने आती हैं और जाड़े में और बरसात में 24 घंटा रहती हैं करीब 2-2.5 सौ चिड़िया, लेकिन सुबह संध्या झुंड के झुंड आती हैं और झुंड के झुंड सुबह उठ करके चली जाती हैं। शर्मा जी बताते हैं कि गौरैया के खाने का भी खास इंतजाम किया गया है। अनाज में बजरा ज्यादा पसंद करती हैं, भोजन में इनको बजरा, देसी बजरा ज्यादा पसंद करती हैं और जो हाइब्रिड वाला बजरा है वो कम पसंद करती हैं। जाड़े में करीब करीब महीने में 9-10 किलो बजरा 2-4 रोटी खिला देते हैं और गर्मी में 7 किलो बजरा हर महीने लग जाता है, रोटी भी खा लेती हैं। चावल जो है वो बना हुआ चावल ज्यादा लाइक करती हैं। प्रयागराज से INXLIVE.COM के लिए दीपक मिश्र की रिपोर्ट। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और INX Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।